अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी चिकन विंग्स, जो कि बहुत ही आसान और जल्दी बन जाते हैं। क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो विंग्स, उसके अलावा हमने लिया है पाव मैदा, 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, 1 टीस्पून हमने लिया है चिकन फ्लेक्स, हमने 1/2 टीस्पून लिया है मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर लिया हमने 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर लिया हमने 1/2 टीस्पून, चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनीगर लिया हमने 1/1 टीस्पून, और हमने सब चीज़ों को मिक्स करके, सॉसेस को मिक्स करके रख दिया है। अब हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। चिकन में हम डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अपने तमाम सॉसेस, विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस। इसको मैंने हाथ धो लिए, आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये विंग्स होते वक्त मैंने इसको जिस पानी में धोया था उसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला था। आप भी जब भी चिकन धोएं तो उसमें सिरके और नमक डाल के धोएं। मैंने अब नमक नहीं डाला था, सिर्फ सिरका डाला था। इससे क्या होता है, जो आपका चिकन होता है वो अंदर तक गल जाता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको कम से कम 20 मिनट रखिए। मैं इसको 10 से 15 मिनट रख रही हूँ। अब जो हमने मैदा लिया है उसमें हम काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर, कोई चावल का आटा आपने नहीं डालना। रेसिपी को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पता चले कि कैसे आपका चिकन क्रिस्पी बनता है। फ्रेंड्स, मैंने नॉर्मल टैप का पानी लिया, इसे मैरिनेट हुए 15 मिनट हो गए। मैंने 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रखा था, आप चाहें तो इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे अपने मैदे की कोटिंग में और इसको हाथों की मदद से ऐसे ऐसे दबाएंगे। मैदा डस्ट करें, ओके, पानी में डालें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक, क्वांटिटी के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपने इसको करना है और इसको प्लेट में डालते जाना है। ये देखिए, बस इसकी एक दफ़ा आपने इसको इस तरह करना है, मैदे में डाला, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह इसको करना है, बिल्कुल ये इसके अंदर ऐसा हो जैसे आप किसी छोटे बच्चे को नहला रहे हैं। ये देखिए, डस्ट किया मैदा, पानी में डाला, दूसरे हाथ से आप निकालें और इसको फिर से मैदे में डस्ट करें और सारे पीसेस अब मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छी तरह से हीट अप हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और 1:1 हमें अपने विंग्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल के अब हम इसे इसकी साइड चेंज करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए, कमेंट लाजमी क्या करें, जो आप चीज़ें बनाते हैं आपको कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज किया है। देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आया है, कितने मज़े का इसका क्रिस्पनेस आया है। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, कोई ज़रूरत नहीं है बाइक का खाने की, KFC जाने की। घर में चीज़ें बनाएं। अब हमें क्या पता कि बाइक किस तरह बनता है, साफ सुथरा खाना होता है नहीं होता, चिकन कौन सा यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अपने सामने चिकन बनाइए। जब भी जाएँ चिकन लेने, अपने सामने कटवाइए, अपने सामने हलाल करवाएं और घर में आएँ, साफ सुथरे तरीके से धोइए और बच्चों को दें, बड़ों को दें और इंजॉय करें। फ्रेंड्स, 3-4 मिनट के बाद हमारी दोनों साइडें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे अपनी सर्विंग
प्लेट में सर्व करते हैं। इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए क्रिस्पी विंग्स हमारे रेडी हैं, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए जो बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स था मैंने आपके सामने उसको जाहिर कर दिए कि क्या कैसे ये क्रिस्पीनेस इसमें आती है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।